बिग बॉस 15 के ग्रैंड फिनाले को लेकर लोगों के बीच जबरदस्त क्रेज बना हुआ है। फैंस ये जानने के लिए काफी एक्साइटेड हैं कि सलमान खान के शो के 15वें सीजन का विनर कौन बनेगा, इस बार की विनर ट्रॉफी किसके हाथ में होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विनर रेस की लिस्ट में शमिता शेट्टी, तेजस्वी प्रकाश, करण कुंद्रा, निशांत भट्ट, रेशमी देसाई और प्रतीक सहजपाल समेत 6 लोग फाइनलिस्ट हैं। लेकिन फिनाले में जिन दो कंटेस्टेंट के बीच सबसे ज्यादा कड़ी टक्कर देखी जा रही है वो है तेजस्वी प्रकाश और प्रतीक सहजपाल। पिछले कुछ दिनों से तेजस्वी के नाम का डंका खूब बज रहा है, लेकिन पिछले 3 दिनों से प्रतीक सहजपाल को लेकर जिस तरह से माहौल बनना शुरू हुआ है वो बेहद ही तूफानी है, बेहद ही हैरान करने वाला है। जी हाँ, सोशल मीडिया से लेकर टीवी स्टार्स जिस तरह से प्रतीक के नाम को सपोर्ट कर रहे हैं वो काफी अमेजिंग है। बिग बॉस से जुड़े फैंस इस बात को सोच रहे हैं कि क्या अब प्रतीक को लेकर फिनाले में जिस तरह का तूफान देखने को मिल रहा है, क्या उसके आगे तेजस्वी टिक पाएंगी। वह 10 दिन पहले तक ये कहा जा रहा था कि तेजस्वी प्रकाश के सामने बिग बॉस का खिताब कोई दूसरा कंटेस्टेंट नहीं जीत सकता और तेजू का नाम ही लगभग फाइनल बताया जा रहा था, लेकिन अब अचानक से प्रतीक के नाम का खुमार हर किसी के सर पर है। लोग तो लोग, काफी सेलिब्रिटी भी खुलकर प्रतीक के सपोर्ट में उतर आए हैं और उनके लिए वोट्स की अपील तक कर रहे हैं। जाहिर तौर पर उसका फायदा भी प्रतीक को ही मिलने की उम्मीद की जा रही है। प्रतीक के नाम की लहर जिस तरह से उमड़ रही है उसके बाद ऐसे कयास तक लगाए जा रहे हैं कि फिनाले में सबको चौंकाते हुए और तेजू को हराते हुए प्रतीक ही इस बार के चैंपियन बनने वाले हैं। वेल, अगर ऐसा होता है तो एक बार फिर से तेजू की किस्मत पर पानी फिर सकता है और वो जीत का स्वाद चखती चखती ऐन मौके पर रह जाएंगी। आपको याद ही होगा जब तेजस्वी खतरों के खिलाड़ी सीजन 10 में नजर आई थी तो शो की सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट थी। सब पर भारी पड़ी थी तेजस्वी। हर कोई यही कयास लगा रहा था कि तेजू ही विनर बनेंगी और खतरों के खिलाड़ी की ट्रॉफी अपने नाम कर लेंगी, लेकिन फिनाले से ठीक पहले आंख में लगी चोट के कारण तेजस्वी शो से बाहर हो गई और शो को जीतने का सपना उनका अधूरा ही रह गया। वहीं अब जिस तरह से प्रतीक के नाम का तूफान सामने आ रहा है वो कहीं तेजू के सामने फिर से वैसी ही घड़ी ना लेकर आ जाए। वेल, आपको क्या लगता है, क्या प्रतीक को लेकर तूफानी बस बन सकता है तेजू के लिए खतरा या नहीं, बताइएगा जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में।